हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं बाल्मीकि स्वागत करता हूं आपका अपने बाल्मीकि यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी स्मार्टफोन कंपनी है जो कि इंडिया के लोगों ने बनाई है और उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं या फिर जो उसका प्लांट्स हैं वो इंडिया में ही मौजूद हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं ऐसी 13 स्मार्टफोन कंपनी की बात करेंगे जो कि इंडिया की है और इंडिया में ये अपने मोबाइल को मैन्युफैक्चर करते हैं। इस वीडियो में मैं जितने भी कंपनी हैं उनको ईयर वाइज बताऊंगा, मतलब कि जो कंपनी सबसे पहले चालू हुई उनको मैं पहले रखूंगा और जो कंपनी बाद में चालू हुई उनको मैं बाद में रखूंगा। मतलब कि जो कंपनी पहले स्टार्ट हुई है उनको मैं नंबर 1 पोजीशन पर रखूंगा और धीरे धीरे हमारा इसे ग्राफ नीचे की ओर आएगा। तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। इस स्मार्टफोन की लिस्ट में सबसे पहला नाम है इंटेक्स का, जो कि 1976 में शुरुआत हुई थी। इसके जो डायरेक्टर थे उस समय नरेंद्र बंसल, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और अभी इसके सुपुत्र केशव बंसल इसके एक्टिव डायरेक्टर हैं। दूसरा जो स्मार्टफोन है वो वीडियोकॉन, जो कि 1979 में शुरुआत हुआ था। लेकिन इस कंपनी ने 1979 में शुरुआत की थी लेकिन मोबाइल बेचना इन्होंने 2009 में शुरुआत किया और इस कंपनी के स्थापक वेणुगोपाल धूत थे। तीसरी कंपनी ओनिडा, जो कि एक बहुत ही जानी पहचानी कंपनी है। इसकी स्थापना 1981 में हुआ था मुंबई में और इसके संस्थापक जीएल मिर्चादानी और दूसरे हैं विजय मनसुखानी। चौथी कंपनी है एक जानी मानी कंपनी स्पाइस मोबाइल, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी हिमाचल में और इसके जो संस्थापक थे साकेत अग्रवाल। और इस कंपनी की जब शुरुआत हुई थी तो उस समय इसमें सिर्फ 13 लोग काम करते थे। पांचवी कंपनी है माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स कंपनी का स्थापना 2000 में हुई थी लेकिन इस कंपनी ने मोबाइल बेचना 2008 में शुरू किया। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और इसके 4 संस्थापक हैं, जिनके नाम राहुल शर्मा, विकास जैन, सुमित अरोड़ा और राजेश अग्रवाल हैं। छठी कंपनी है आईबॉल, जो कि मुंबई में सितंबर 2001 में स्थापित हुई थी और इसके जो संस्थापक थे संदीप परशुराम पुरिया थे। सातवीं कंपनी है सेलकॉल मोबाइल, जो कि 2009 में वाई गुरु के द्वारा संस्थापित की गई थी। आठवीं कंपनी है कार्बन, जो कि प्रदीप जैन के द्वारा 2009 में संस्थापित की गई थी लेकिन इसमें पार्टनर के रूप में नोएडा की जैना मार्केटिंग एंड एसोसिएट और बेंगलोर की यूनाइटेड टेलरिंग लिमिटेड कंपनी ने भी अपना योगदान किया था। नवी कंपनी लावा, जो कि 2009 में हरिओम राय, सुनील भल्ला, शैलेंद्र नाथ और विजय सैगल ने की थी। दसवीं कंपनी है झोलो, जो कि 2012 में लावा इंटरनेशनल के कंपनी ने ही इसको इन्वेंट किया था। मतलब कि जो लावा कंपनी है उन्होंने एक लावा इंटरनेशनल नाम करके एक और कंपनी खोली जिसके नाम से झोलो मोबाइल बिकता था। ग्यारहवीं कंपनी है क्रेओ, जो कि बेंगलोर में जुलाई 2013 में बनी थी, जिसके संस्थापक साई श्रीनिवासन और शुभम मल्होत्रा थे। बारहवीं कंपनी है वाई यू फोन, मतलब यू फोन, जो कि यू टेलीवेंचर से बन के आई थी और इसकी स्थापना 18 दिसंबर 2014 के दिन हुई थी। इसमें साइनोजिन और माइक्रोमैक्स मोबाइल ने भी मिलकर इसके मोबाइल को बनाया था और इसके अंदर साइनोजिन ओएस चलता था। तेरहवीं कंपनी है जो कि आप और हम सभी को जानते होंगे, जिसका नाम है जियो लाइफ, जो कि 2015 में मुकेश अंबानी की कंपनी की ओर से इस मोबाइल को प्रेजेंट किया गया था। मैं एक बात बता दूं कि हर एक मोबाइल जो कि मैंने आपको इस लिस्ट में बताया है उस मोबाइल का जितना पार्ट बन सकता है भारत में उतने पार्ट भारत में बनते हैं। बाकी जो कि मदरबोर्ड हो गया या फिर अलग अलग जो रैम रोम होती हैं वो सब अगर जरूरत पड़ती है तो चाइना से मंगाई जाती है लेकिन उसको मंगा के असेंबल यहीं पे किया जाता है। हम ऐसे आगे आशा कर सकते हैं कि हमारे देश में ही जितने भी मोबाइल का मदरबोर्ड है, रैम है, रोम है, प्रोसेसर है, वो सब हमारे अगर भारत देश में ही बनने लगे तो हमको जो चाइना या फिर जापान या फिर अलग अलग देशों से
जो कि मदरबोर्ड या फिर रैम रोम खरीद के लाना पड़ता है, वो हमें खरीद के नहीं लाना पड़ेगा। आई होप आप लोग को इस वीडियो में जितने भी हमारी भारतीय कंपनी है उनके बारे में पता चल गया होगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए हर रोज एक नई नई ऐसी वीडियो लेके आता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।